उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है और ऑक्सीजन प्लांट के मामले में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका बढ़ गई है, जिसे लेकर आने वाले समय में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बेहद कारगर साबित होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4.5 साल में 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार के धीमी गति से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 25 जिलों में दौरा किया है और 400 से ज्यादा प्लांट अब तक लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्लांट के मामले में देश का पहला आत्मनिर्भर राज्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अभियान चल रहा है सरकार के द्वारा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के विषय में आत्मनिर्भर प्रदेश बनने जा रहा है। इसलिए यहाँ अलीगढ़ में भी आज एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। यहाँ जितने भी 50 से 55 बेड हैं, उन सारे बेड को डायरेक्ट ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट के द्वारा होगी। अलीगढ़ के अन्य अस्पतालों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो रही है।